सबसे पहले मुझे नाबजी ने कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत पूछना, तो हाँ जी किसी का कोई सवाल है या मैं अपने सवालों के साथ आगे बढ़ूं? किसी ने कुछ पूछा? किसका सवाल है? बाद में पूछेंगे। और सोही जी आप अपने सवालों के साथ रहेंगे, उसका सिलसिला शुरू करो। इतने सारे लोग जो आपको सपोर्ट करने आए हैं, जो आपके स्कूल को सपोर्ट करने आए हैं, आपके थॉट को सपोर्ट करने आए हैं, दे हैव बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? So from मुझे स्टेज पे मत बुलाना, to मुझसे सवाल मत पूछना, now he has come to मुझे माइक की ही जरूरत नहीं है, अब बुलंद आवाज। कौन बोला माइक चाहिए? अच्छा विनस, इधर टाइम्स भी है भाई। अच्छा तो सबसे पहले तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब से लेके फिर द मैन हु मेड मी फिल्म डायरेक्टर इज हियर, मतलब एक एक शख्स जब गैप आया तो राधिका जी हु मेड 90 फिल्म विद मी, जिनको बेस्ट उनका अवार्ड मिला और दादा साहब फाल्के ट्रॉफी हमको मिली। थैंक यू राधिका जी। मतलब अगर मैं से नाम लूंगा, नॉन स्टॉप जो सपोर्ट है आप लोगों का वो अनबिलीवेबल है। अ मैन आशु जी, शेरा भाई, मतलब आप सभी अगर मैं नाम लूंगा, आप जस्ट इमेजिन करिए भाई कि मैंने सिर्फ एक कॉल किया और यूएसए से इंडिया आ गए। सो इस सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी विल, वेरी सिंपल जो ये कह रही थी। और अब मेरे बारे में तो ज्यादा क्या बोलूं, वो तो आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया, ये मेरे बारे में बोलती जा रही है। इन दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी क्लासेस में एक लाइन पढ़ाता हूं, आई एम पॉसिबल। सो मैं ढूंढता था यार ये ऐसे लोग, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं किताबों में बाबूजी, या ऐसे लोग रियल में भी मिलेंगे। सेकेंड ऑफ अप्रैल हम मिले, सर आपको पता ही था वो पूरे टाइम। सेकेंड ऑफ अप्रैल हम मिले शाम को, बात हुई कि यार ऐसे इंटरनेशनल एक फिल्म स्कूल खोला जाए। 3 अप्रैल तक रात को, और दोनों ने डिसीजन लिया बाबूजी की करते हैं यार। सेकेंड अप्रैल, 3 अप्रैल लोकेशन लॉक्ड, 4 अप्रैल ये लोग दोनों अपना घर भूल गए, जिनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बहुत जल्दी शहीद होने वाले हैं, शादी होने वाली है। तो मतलब उस समय से चुरा कर लाना और रेत में आरामनगर में बैठना। सो एक मुझे मिला ये है आई एम, और दूसरा है पॉसिबल, जिसको मैं ढूंढता था जरीना जी कि कोई याद मिले आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल मैं सिखाता हूं। बट ये दो लड़के वही हैं जो आई एम पॉसिबल। बाबू जी 20 दिन में जब हम गए तो मैंने मेरे कजिन को भेजा देव को, उसने कहा जाके कि सर आरामनगर पूरा फुल है, एक खंडर है, करेक्ट किरण, उसको खंडर ही बोलते थे आप लोग, वो किरण है। और बिल्कुल भाई किधर गए? यस, सो बोलते थे कि वो एक जगह है। और थैंक यू बिल्कुल भाई फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट। हमने उसको पूरा का पूरा तोड़ दिया, आज एक घर 2 महीने में नहीं बना। और इन्होंने दोनों ने मिलकर डे नाइट वहीं सोना, रेत में वहीं रहना, और इन्होंने वो टाइम से पहले पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्कूल खड़ा कर दिया, जिसके लिए मैं गौरी प्लीज कम।
देखिए ये है यंग एनर्जी, वॉरियर ऑन बोर्ड आई, 3D डायमेंशंस के साथ आई। कम गौरी, ये है हमारी जितना आप लोगों ने देखा है इंटीरियर डिजाइनर, इसे हम प्यार से ताई भी कहते हैं, और डे नाइट वर्क करके और वर्ल्ड क्लास जो इंटरनेशनल स्कूल बना दिया। सो मेरी तरफ से गौरी क्या चीज तुम्हें लगी, सॉरी मैं आपकी जगह ले रहा हूँ, मैंने कहा था मैं बोलूंगा नहीं, तो मैं हाँ नहीं ऐसे बोलूंगा टोटल फ्रीडम एंड दे आर इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल थ्री ऑफ देम। सना कभी भंगार वाले के पास ले गई, भंगार वाले से चेयर खरीद ली है, कभी पता नहीं कहाँ ले गए। आप चल चलता ही जाएंगे, अपन क्या कर सकते। अच्छा एक 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 चेयर 40,000 की था, आप फीस बढ़ानी पड़े। तो कुछ बोलना। 13 साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं, मैं निमाड़ के छोटे से गांव से हूँ टीमवाली, जहाँ पे 5-6 हज़ार की आबादी है, बट ये 13 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं वेलकम बैक की है, नो एंट्री ट्विंकल की है, साउथ की फिल्म है, ऑस्कर मिली है, बाकी ना आपको बहुत ही ज़्यादा इनको प्यार करता हूँ, और कई सालों से इनके साथ जुड़ा हुआ, बाकी बस इतना ही बोलूँगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। वैसे सर मुझे लगता है स्ट्रगल की जगह आप सफर करते हैं टू बी अ ब्लॉसम्ड एक्टर। दिल से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। एंड सबसे पहली बात तो ये है, नव जी का एक्सप्लेन करने का समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि बुरे एक्टर को भी अच्छा एक्टर बना देंगे, तो आई एम श्योर इट विल डू वेरी वेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैम किस तरह की बॉन्डिंग रही आपकी? बॉन्डिंग आई जस्ट मेट हिम, मैं राधे की शूटिंग कर रही थी सलमान भाई के साथ, तो वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद हमारी बातचीत होती रहती है। ही इज अ वेरी इंस्पिरेशन देते हैं वो, बहुत इज अ वेरी नाइस गाय। मैं बहुत खुश हूँ ये होली फेस्टिवल जो स्कूल शुरू हो रहा है, क्योंकि जब जहाँ जाता हूँ, जैसे मैं जिम जाता हूँ वर्कआउट करता हूँ, वहाँ भी काफ़ी लोग जो बाहर से आए हुए हैं, लड़के लड़कियाँ वर्कआउट करने आते हैं, हर एक भी टैलेंट है, लेकिन हर एक को एक टैलेंट बाहर आने के लिए कोई स्कूल या कोई गुरु की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से ये जो स्कूल खुला है काफ़ी हेल्प करेगा इनको उनका टैलेंट बाहर लाने में। और हर एक को आजकल आपको पता है जैसे कि वेबसाइट वगैरह वेब सीरीज़ वगैरह और ये OTT प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी लोग नए नए चेहरे देखने मिलते हैं, तो सबको मौका मिलेगा अपने पर्सनैलिटी को दिखाने का। और देखो आज की तारीख में जो बच्चे आते हैं, जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, सब एक अपने रोल के लिए ऑडिशन देते हैं, और जो ऑडिशन में अच्छा करता है उसे जरूर मौका मिलता है, उसे जरूर चांस मिलता है। देखो आज आपको जैसे पता है कि भाई की बॉन्डिंग अगर किसी से अच्छी होती है तो हर पिक्चर में आप देखिए बीन एन असिस्टेंट और वर्किंग ऑन द सेट एंड इज देयर विद एवरीबॉडी, सबके साथ है। आपका बेटा भी जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं हमें। जल्दी शुरू होगी पिक्चर, मैं भी वेट कर रहा हूँ कब शुरू होती है और कैसे शुरू होगी, तो मैंने सबसे सलमान भाई मालिक भी आप सबको न्यूज़ दें। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अपना भाई नव कुमार राजू, जिनके साथ मुझे याद है कि मुझे एक मौका मिल रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन नहीं पाई, मगर एक वक्त ऐसा था कि हम दोनों मिलकर काम करने वाले थे, ये मेरे डायरेक्टर होने वाले थे, मैं इनका कलाकार होने वाला था। वो समय फिर आने वाला है, वो समय इंशाल्लाह। पर आज सच्ची मैं सालों के बाद राजू भाई को मिल रहा हूँ, मगर इनकी तरक्की देखते हुए एज अ ब्रदर दोस्त कलाकार बहुत दिल से खुशी हो रही है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई
he's climbed the ladder not only as a director. आज आप लोग सब लोगों ने उनके उनकी फिल्मोग्राफी देखी है, उनके करियर्स कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँचे हैं, और आज एक स्कूल खोला हुआ है उन्होंने, इंटरनेशनल स्कूल विद विद एन जॉर्डन रिवर यूएसए। और ये ऐसे स्कूल्स की हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोगों ने स्कूल्स खोले हैं और मगर बहुत कम लोगों ने स्कूल्स खोले हैं विद इंटरनेशनल अफिलिएशन, और हमारे राजू भाई ने आज एक बहुत बढ़िया स्कूल खोला हुआ है। मेरी गुजारिश आप सबसे है, जो भी कला के क्षेत्र में एंट्री करना चाह रहे हैं, प्लीज़ इस स्कूल के बारे में ज़रूर सोचना। आप मुझे पता है आप लोगों के पास बतेर चॉइसेस होंगे स्कूल्स की, बट आई विल वाउच फॉर राजू भाई बिकॉज एज अ डायरेक्टर ये बहुत सीनियर टेक्नीशियंस आर्टिस्टों के साथ इन्होंने काम किया है, और मेरी भी इच्छा है कि मैं मुझे मौका मिले कि राजू भाई के साथ मैं भी काम करूँ आगे जाके। और क्या कहना चाहूँगा मैं, बस आज, हाँ आज जो राजू भाई ने उनके पास्ट के बारे में नहीं, उनका फ्यूचर और एक ऐसी चीज़ उन्होंने आज पेश की है लावनी, मतलब मुझे एज एन एक्टर इतना फख्र महसूस हो रहा है कि ऐसी कला मैंने कभी देखी नहीं, और आज इन्होंने हमारे सामने ये कला पेश की है। एज एन एक्टर मुझे आज वाकई बहुत सीखने मिला है, जो इन्होंने पेश किया है लावनी, जो शो इन्होंने परफॉर्मेंस किए लेडीज़ ने, मतलब एज एन एक्टर मुझे बहुत सीखने मिला है आज। और ये एक शुरुआत है राजू भाई के स्कूल की, ये आपको ये लावनी के थ्रू भी ये दिखाना चाहते हैं कि इनके स्कूल ज्वाइन करके आपको क्या क्या कला से ये जुड़ाएंगे, सिखाएंगे, और फिल्म दुनिया का पूरी दुनिया आपके आगे खोलेंगे। सो मेरी दिलों तमन्ना है और मेरी विनती आप सबसे कि प्लीज़ इस स्कूल को प्रमोट कीजिए, जो भी कला के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं ये प्लीज़ इस स्कूल के बारे में ज़रूर सोचना। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू, एंड आई एम होपिंग टू सी ऑल सून इन दिस स्कूल। मेरा भी अभी तो ये टू अर्ली अनाउंस करने के लिए, बट मैं तीसरी पुश तो इंडस्ट्री में और मेरी चौथी पुश तैयार हो रही है, एंड होपफुली राजू भाई विल बी देयर टू ट्रेन हिम, जो मेरी पुश होगी। मेरा बच्चा आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत उसके बारे में एक साल डेढ़ साल में आप लोगों को पता लगेगा। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे, सर ने इतनी सारी बातें कही होली रिवर के बारे में, इतने सारे अकेडमी है, एक्टिंग अकेडमी, होली रिवर का क्या खासियत होगा सर? होली रिवर की खासियत यही है कि वो होली है, वो होली है और वो रिवर है, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मेरे साथ ऐसे मेरे दोस्त नॉन स्टॉप अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ आज तक खड़े थे, जो कभी भी कहीं भी आकर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये होली रिवर, इसका नाम, अगर आप नाम की बात कर रहे हैं तो एक कला क्या है, कला जैसे इन्होंने कहा लावणी, आज हमने हमारा सॉफ्ट लॉन्च है इस पर हमने लावणी रखी, क्योंकि लावणी एक कला का बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है, और चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं सो हमें जानना चाहिए, हमें अपनी धरती से जुड़े रहना चाहिए, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। जो आवाज़ अभी आप लोगों के कान में आ रही है, ये आवाज़ आप लोगों की कहीं ना कहीं डीएनए में होगी। तभी आज भाई ने जो कहा कि यार मज़ा आ गया इनके एक्सप्रेशंस देखकर। सो होली रिवर क्या है बेसिकली, होली यानी पवित्र, कला क्या होती है वो उसी तरीके से पवित्र होती है, और एक कलाकार होता क्या है, वो रिवर की तरह होता है, जो टेक हो गया वो टेक हो गया, जो बह गई रिवर वो बह गई। और दूसरी बात एक है कि जैसे कला और कलाकार के भीतर क्या चल रहा है हमको पता नहीं चलता, उसी तरीके से एक नदी के भीतर क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता, पत्थरों से टकराती है, पेड़ों से टकराती है, कई रास्तों से होते हुए वो अपने समुद्र को तलाशती है, उसी तरीके से एक एक्टर एक अच्छे डायरेक्टर को तलाशता है। तो बहुत सारी समानताएँ इस रिवर में और कलाकार में देखी गई मैंने। सो मुझे लगा कि अब वो टाइम है जब वन वर्ल्ड
वन प्लेटफॉर्म वन टैलेंट है, तो इस होली रिवर को अब सारी सीमाएं तोड़कर बाहर जाना चाहिए। इतना टैलेंट हमारे भारतवर्ष में है, तो उस टैलेंट को सारी सीमाओं को तोड़कर बाहर ले जाने के लिए हमने जॉर्डन रिवर यूनिवर्सिटी यूएसए से टाई अप किया। और यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत बाहर से लाकर हमारे आगे आने वाले एक एक्टर को मुकम्मल एक्टर बनाने के लिए देने वाले, वो मुकम्मल है, उसे बस सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैं चाहता तो ये 20 साल पहले भी खोल देता, बट 2014 में जब हमारी फिल्म को दादा साहब फाल्के ट्रॉफी अवार्ड मिला, उस रात मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अवर ओन इंटरनेशनल स्कूल, टू गिव वन राइट डायरेक्शन। जो नए लोग आते हैं उनको सही डायरेक्शन मिले कि बॉलीवुड एक्टिंग क्या है, थिएटर से कितनी अलग है, क्या सीखना पड़ेगा, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड द साइंस ऑफ दैट आर्ट इज नोन एज बॉलीवुड एक्टिंग, तो वो जानना पड़ेगा। सर, इसके अलावा आप जो है सलमान खान के साथ भी काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो क्या सलमान खान फिल्म्स के साथ कोई कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि सलमान जो है नए चेहरों को कोलैबोरेशन हो चुका। क्या बात, मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर अभी यहाँ भी मैं हूँ तो सलमान भाई के सेम अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से। मैं दबंग 3 की कास्टिंग कर रहा था, मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, तभी हमारी दूसरी यूनिट बॉलीवुड अभिनय जो ऑनलाइन एक्टिंग सिखाती है, तो उनके 15 एक्टर्स ने दबंग 3 में काम किया था। इससे बड़ा कोलैबोरेशन और क्या हो सकता है। क्या बात, सुपर्ब। एंड थैंक्स टू प्रभुदेवा जी, किसी ने कोई सवाल नहीं किया और सारे के सारे 15 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे इन्होंने कहा, कितनी बड़ी कितनी इमोशनल बात है ये, देखिए कि ठीक है हम बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, बट इन्होंने क्या कहा कि मेरा एक बच्चा आने वाला है और मैं चाहूँगा कि वो नव भाई के अंडर सीखे। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई लोगों के पास गया कि मैं ऐसी ऐसी इंटरनेशनल एकेडमी शुरू कर रहा हूँ, आपको पता उन लोगों ने अपने बच्चों को एब्रॉड भेजने से रोक दिया कि पहले आप नब सर के अंडर सीखो, फिर जाना है तो जाना, नहीं जाना है तो मत जाना। क्योंकि ये बेसिकली है क्या, ये इतने साल का अनुभव। सो यही है अपना होली रिवर, और जो कोलैबोरेशन की आप बात कर रहे थे, सो ऑलरेडी बड़ी खुशी हुई है नव कुमार राजू के इस एक्टिंग स्कूल के इस कोलैबोरेशन को देखकर। मैं और नव बहुत पुराने मित्र हैं, मैं नागेश भोसले, राज शेट्टी, नव कुमार राजू, हम एक फैमिली जैसे हैं। हमने कई बार इनके एक्टिंग स्कूल्स में वर्कशॉप्स लिए हैं, तो जिस तरीके से नव भाई बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे एंटरप्राइजिंग भी है, हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका किस तरीके से अच्छा होगा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। एक्टिंग तो सिखाते ही हैं, साथ ही साथ एंटरप्राइजिंग भी है वो, इसलिए बहुत सारे एक्टिंग के पहलुओं के अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां देते हैं। मैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में हमेशा इनके स्टूडेंट्स को गाइड करते आया हूँ। आज का ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज इनका एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम आज इस आयोजन में आए हैं। हम सारी खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं नव भाई को देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका ये कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, बहुत ही सक्सेसफुल और जानदार हो। आपने बिल्कुल कहा, होलीनेस तो है क्योंकि ये बंदा होली आदमी है, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन। मैं भी मतलब जैसे गिरीश जी ने कहा कि हम लोग पुराने मित्र हैं, काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और मैं तो एक फिल्म इनके साथ कर चुका हूँ और उसे अवार्ड भी मिला है। हमने तीनों ने की थी, फिल्म कर चुका हूँ, ये डायरेक्टर थे, मैं एक्टर था, तो मेरा अनुभव तो बहुत बढ़िया था। कमाल के डायरेक्टर भी हैं और खुद एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, अगर आपको पता ना हो।
तो हमारी फिल्म में इन्होंने काम भी किया था, तो हम सबकी बहुत शुभकामनाएं हैं और हम लोग सब बहुत खुश हैं। और होली रिवर इंटरनेशनल फिल्म स्कूल एंड प्रोडक्शन इंडिया। सर, जयवीर मेहर का कोई कोलैबोरेशन होगा होली रिवर के साथ? जी हाँ, मैं जयभीम ऐप से कोलैबोरेशन करूँगा, क्योंकि मुझे जयभीम ऐप में हमेशा नए बच्चों की, नए टैलेंट की खोज होती है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नए बच्चे, नए टैलेंट आते रहें, और इसमें होली रिवर इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें मैंने कई बार वर्कशॉप लेते हुए बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को देखा है, जो गाते हैं, डांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं। अब शॉर्ट वीडियो ऐप्स में होता ही ये है कि उनमें डांसेस चाहिए होते हैं, छोटे छोटे 10-15 सेकंड्स के वीडियोस होते हैं, तो ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े शार्प होते हैं। तो ऑब्वियसली आगे चल के हमारा और नब भाई का, यानी कि जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप का और होली रिवर इंटरनेशनल का कोलैबोरेशन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी सुन, वेरी सुन। इनके साथ काम करना मतलब है कि आप एज एन एक्टर तो बड़े बन रहे हो, बट इनको डायरेक्शन का भी, आपने कोई फिल्म भी डायरेक्ट की? हाँ, कई सारी, सात फिल्में, इमेजिन सात फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं भाई। किस सो पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी है। राज भाई, नब भाई के बारे में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है होली रिवर के, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखेंगे, वो फिल्म मेकिंग के बारे में जो सीखेंगे नव भाई से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक्टर को सिर्फ अपने डायलॉग्स और एक्टिंग पे ध्यान तो देना ही चाहिए, बट अगर ओवरऑल जो नॉलेज नव भाई दे सकते हैं इन स्टूडेंट्स को, वो शायद ही किसी और टीचर से वो लोग इतनी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो दैट्स अ, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ होली रिवर। सो आई गिव ऑल द बेस्ट एंड